Hi everyone, my name is Raman, and I am from the Australian Academy. Today I have a new cue card to discuss with you. So let's start with it. The cue card which I am going to discuss here is that is describe when someone gave you something you really wanted, or we can talk about a gift which you received, or I received, you can say. So this is the cue card which is being asked to us. सो हेयर क्वेश्चन जो हमें पूछे जा रहे हैं उसके अंदर हैं वो हैं हुव इट किसने आपको दिया वॉट वॉज द थिंग वो क्या चीज़ थी जो आपको मिली वेन यू रिसीव्ड इट और कब मिली वाई डिड यू नीड इट और जो मिली तो आपको क्या जरूरत थी उसकी एज समथिंग यू रियली वॉन्टेड लिखा हुआ है वहाँ पे हमें पूछा जा रहा है जो हमें जिसकी ज़रूरत थी बहुत तो हमें जो मिला जिसकी हमें जरूरत थी क्यों जरूरत थी एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट आपको कैसा लगा जब वो आपको चीज़ मिली तो तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे हमें वहां पे भी वन मिनट टाइम मिलता है तो वहां पे पेपर और पेन प्रोवाइड किया जाता है जहां पे हमें कुछ पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं हम लिख सकते हैं तो उसी के लिए मैंने भी यहाँ पे कुछ क्लूज लिखे हैं जो कि मैं अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज करूंगी लाइक like, किसने मुझे वो दिया था गिफ्ट इट वॉज गिवन टू मी बाय माई हजबेंड और क्या वो चीज थी इट वॉज अ मोबाइल फोन कब मिला मेरे बर्थडे पे लास्ट ईयर मुझे क्यों जरूरत थी क्योंकि ओल्ड वन वॉज नॉट वर्किंग वेल मेरा जो पुराना फोन था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था और आपको कैसा लगा आई वॉज अमेज ऑन क्लाउड नाइन सरप्राइज डिलईटेड वोट यू फील लाइक आप यूज कर सकते हो बिकॉज आपको पता है कि हमें अपनी स्पीकिंग के अंदर वराइटी ऑफ वर्ड्स देने पड़ते हैं वो कैब यूज करना पड़ता है टू स्कोर मोर सो हेयर यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड सो लेट स्टार्ट विथ हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये है बेस्टोइंग एंड रिसीविंग बेस्टोइंग मतलब कि जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं शो करना अपना प्यार देना रिसीव करना गिफ्ट्स जो हैं हमारा एक रिच ट्रडिशन है हमारे जो कंट्री का ये एक पुराने समय से हम देते हैं ना गिफ्ट्स लेते देते रहते हैं ये चलता आ रहा है एंड इस और क्या है इज गेनिंग ग्राउंड ट्रमेंडसली गेनिंग ग्राउंड मतलब क्या आजकल बहुत ज्यादा ये चीजें की जा रही हैं लोग गिफ्ट्स ओकेजन डिफरेंट ओकेजन पे देते हैं कोई दिवाली पे कोई न्यू ईयर्स पे लोहड़ी पे अलॉट मोर फेस्टिवल्स पे गिफ्ट जो है एक्सचेंज किए जाते हैं और दिए जाते हैं सो दिस इज हाउ वी कैन स्पीक अबाउट द इंट्रोडक्शन अब इसके अंदर जो मुझे ये टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस कवर करने हैं उसी को मैं आगे इलाबोरेट कर रही हूँ तो यहाँ पे है आई रिसीव्ड अ फोन और अ मोबाइल फोन मैंने रिसीव किया जो मुझे जरूरत थी जिस चीज की वो क्या थी वो था वो मोबाइल फ़ोन था विच वॉज गिवन टू मी बाय माई हजबेंड जो कि मैंने ऊपर बताया था मेरे हस्बैंड के द्वारा दिया गया ऑन माई लास्ट बर्थडे मेरे पिछले साल के बर्थडे पे मुझे मेरे हसबैंड के द्वारा मोबाइल फोन दिया गया तो मैंने इस क्वेश्चन का हु गेव इट और क्या वो चीज़ थी और कब मुझे मिला इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने इस ही लाइन में कंप्लीट कर दिया बिकॉज मुझे जो मेन इंफॉर्मेशन देना था दैट इज कंप्लीटेड हेयर अब आगे इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे लेट्स सी। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम ये पहली बार हुआ था ऐसे जब मुझे कोई गिफ्ट मिला तो मुझे ऐसा हो रहा था कि हां जल्दी देखू कि क्या है और क्या उसके अंदर है तो आई विल से इज इट द फर्स्ट टाइम हैव एक्साइटेड माई ग्रीड और क्यूपिडिटी ग्रीड के लिए मतलब वो बोलते हैं ना कि मुझे एकदम से वो हो रहा था कि क्या, क्या हो रहा है क्या मिल रहा है मुझे वो चेक करना था क्योंकि मुझे ये हो रहा था पता नहीं क्या चीज होगी जो मुझे चाहिए और मुझे मिल गई है सो फॉर ग्रीड वी कैन यूज क्यूपिडिटी ऑल्सो आई वॉज इन नीड मुझे ज़रूरत थी उस चीज़ की जो मुझे मिल रही थी और मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू जो कि आपको जरूरत में आएगा और आपकी जरूरत है तो आई वॉज इन नीड ऑफ अ न्यू फोन मुझे ज़रूरत थी नए फोन की मैंने यहाँ पे लिखा था क्यों जरूरत थी क्योंकि जो मेरा पुराना जो फोन था ओल्ड वन इज अ ट्राइट ट्राइट मीन्स कि वो जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था मतलब वी कैन से उसमें कुछ ग्लिचेज आ रहे थे ठीक है और उसकी वजह से क्या हो रहा था I was not able to perform my work. क्योंकि मेरा जो काम है, काम है है ज़्यादातर वो मोबाइल फोन पे ही रहता है कर रहा था, मुझे जरूरत थी तो उसके लिए क्या किया मैंने जो किया मेरी लाइफ जो मुझे लग रही थी इम्पॉसिबल होती जा रही थी तो मैंने क्या किया कि मैंने पैसे जोड़ना शुरू किया था chalo i'll start saving तो जब मेरे पास अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा तो एक अच्छा सा मोबाइल लूँगी बिकॉज मुझे मोबाइल की बहुत ज़रूरत रहती है मेरे वर्क रिलेटेड के लिए तो मैंने उसी के लिए सेविंग भी करना शुरू किया था बट उस चीज़ का माई माई हस्बैंड न्यू अबाउट इट मेरे हस्बैंड को पता था दैट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद माई मोबाइल फ़ोन तो उस वजह से मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मुझे वो गिफ्ट दें तो खैर कैसे मैंने वो किया मेरे लिए लाइफ जो थी इम्पॉसिबल हो रही थी

वॉज अन क्लाउड नाइन जब मैंने खोला मोबाइल फोन और वही फोन मिला जो मुझे चाहिए था तो पहले तो मैं एकदम से आई वॉज सरप्राइज की हाउ ही मुझे यही वाला मॉडल चाहिए या। क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं किया था तो आई वॉज अमेजर गेटिंग तो उससे क्या हुआ मुझे पता चला कि मैंने जो क्योंकि उन्हें पता था मेरे हस्बैंड को कैसे पता चला क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पैसे एज ए टोल्ड यू आई वॉज से मनी फॉर बाइंग न्यू फोन तो उससे क्या हुआ कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरा बर्थडे था उन्हें लगा कि इट इज़ द बेटर वे कि मुझे वो खुश कर पाए अमेज कर पाए तो उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया सो so, अभी ये सारा कंटेंट मेरा मोर देन सफिशेंट हो जाता है उसके बाद में मुझे यहाँ पे जब मैंने ये सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए <coughs> तो मैंने ये भी बोला हाउ आई फेल्ट आई फेल्ट अमेज ऑन क्लाउड नाइन फिर अब मेरा हो गया सारा क्यू कार्ड के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिया अब स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम दैट्स इट बट कभी भी हमें क्यू कार्ड को ऐसे एंड अप नहीं करना है और वी कैन से टू कैप इट ऑल अब क्या है एंड करना है मुझे टॉपिक का सो दैट द इंटरव्यूअर शुड गेट एन आइडिया दैट आई एम अबाउट टू एंड माई टॉपिक इससे उन्हें आइडिया हो जाएगा तो वट आल डू इज टू कैप इट ऑल आई एम यूजिंग दैट मोबाइल फोन नाउ डेज वेरी वेल एंड इट इज one of the best gift which i ever received so this is how you can end up this cue card and i think this content is more than enough for you guys to speak on thank you guys thank you for watching my video please subscribe our channel bye bye for now